ऑब्जेक्टिव्स ऑफ़ द डी एर स्टूडेंट्स मुझे आपसे इस मॉड्यूल में ऑब्जेक्टिव्स ऑफ़ द टेस्ट पर बात करनी है कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ़ टेस्ट एंड दीज रेफर्स दैट टेस्ट इंटेंडेड टू अचीव यानी टेस्ट जो कुछ हासिल करना चाहता है ये उन मकासद पर तोजो देता है यानी उन डिज़ायर्स पर जो हम टेस्ट से हासिल करना चाहते हैं दीज आउटलाइन द आउटकम्स एंड प्रोवाइड अ क्लियर डायरेक्शन फ़ॉर द टेस्ट डिज़ाइन तो ये लर्निंग आउटकम्स की तरफ इशारा करते हैं उसके बारे में वाज हदयात देते हैं और फिर डिज़ाइन टेस्ट के डिज़ाइन के बारे में वाज तौर पर बताते हैं और टेस्ट की एडमिनिस्ट्रेशन और इंटरप्रेशन के बारे में बताते हैं द ऑब्जेक्टिव ऑफ़ अ टेस्ट वेरी ये वेरी करते हैं बदलते रहते हैं ऑन इट्स पर्पस पर्पज़ के लिहाज से कॉन्टेक्स्ट यानी बैकग्राउंड के लिहाज से एंड ऑडियंस और जिनका हम टेस्ट लेना चाहते हैं उनके लिहाज से डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ टेस्ट टेकिंग यह टेस्ट प्लान का जो ये पहला स्टेप होता है ऑबजेक्टि बनाना टाइप्स ऑफ ऑबजेक्टिव डी स्टूडेंट्स तीन मशहूर आम टाइप्स हैं टेस्ट की इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव इन्हें तदरीसी मकासद कहते हैं असमेंट ऑबजेक्टिमेंट तो के ऑबजेक्टिव क्या हैं और डायग्नोस्टिक थर्ड जो है डायग्नोस्टिक ऑब्जेक्टिव्स यानी तशीसी टेस्ट इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स ये हैं कि हम तदरीस के लिहाज से क्या मकासद हासिल करना चाहते हैं ये आ, फोकस ऑन लर्निंग आउटकम्स ये लर्निंग आउटकम्स पर आ, फोकस करते हैं और प्रोवाइड डायरेक्शन फॉर टीचिंग टीचर के लिए उसको टीचिंग के लिए रहन देते हैं हेल्प इन करिकलम प्लानिंग एंड डिज़ाइन करिकुलम प्लानिंग और डिज़ाइन में मदद करते हैं और मसलन नॉलेज स्किल्स एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज क्योंकि टीचिंग का ये सारा मकसद होता है कि जो हम सिखाना चाहते हैं बच्चों को नॉलेज स्किल्स एटीट्यूड्स और वैल्यूज़ तो ये सारे ऑब्जेक्टिव जो उसके बारे में हमें इंस्ट्रक्शनल ऑबजेक्टिव बताते हैं सेकेंड है असेसमेंट ऑबजेक्टिव फोकस ऑन एवेलिंग स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस ये तलबा की परफॉर्मेंस पर फोकस करते हैं मैयर अचीवमेंट एंड मास्टरी तो बच्चों की जो कारदगी होती है जो अचीवमेंट होती है उसके बारे में और जो कंटेंट होता है उस पर महारत के बारे में फोकस करते हैं और इनफॉर्म ग्रेडिंग एंड रिपोर्टिंग और ग्रेडिंग सिस्टम और रिपोर्टिंग के बारे में ये बताते हैं और एग्ज़ाम्पल इसमें क्या चीज़ें होती हैं टेस्ट हैं कोजेज हैं एग्ज़ाम्स हैं अब देखें ये आपके सामने एक पिक्चर भी शो हो रही है जिसमें ऑब्जेक्टिवज़ वैल्यूशन द एप्लीकेशन ऑफ नेसेसरी एंड सफिशेंट इंस्ट्रक्शनल मैयरमेंट्स यूजिंग अ स्टैंडर्ड एंड प्रोसीजर ऑन द फैब्रिक्स एंड क्लोदिंग तो मुख्तफ जो मैयरमेंट्स हैं उनके लिए स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर्स का इस्तेमाल करना अब फिजिबल फिजिबल होना क्या आप जो टेस्ट यूज कर रहे हैं मतलब है काबिल अमल है इंस्ट्रूमेंट और एनालिटिकल मैथर्स आर इंटरप्रेशन ऑफ डाटा तो आप जब टेस्ट लेंगे तो फिर उनका एनालिसिस करेंगे और फिर इंटरपटेशन करेंगे और इसकी इंपॉर्टेंस भी क्या है टू स्पेसिफाई एंड कंट्रोल क्वालिटी सूटेबिलिटी अकॉर्डिंग टू द एंड यूज और अल्टीमेट परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स इन द डिफरेंट सब्जेक्ट्स और जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसमें उनकी महारत थर्ड जो इसकी टाइप है और डायग्नोस्टिक ऑब्जेक्टिव फोकस ऑन आइडेंटिफाइंग द स्ट्रेंथस एंड वीकनेसेस तो बेसिकली टीचिंग शुरू करने से पहले ये डायग्नोस्टिक टेस्ट लिए जाते हैं और बच्चों की स्टूडेंट्स उनकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का इससे अंदाज़ा होता है फिर प्री टेस्ट के तौर पर फीडबैक देते हैं ये इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग के लिए कि टीचर ने कैसे इंस्ट्रक्शन स्टार्ट करनी है और गाइड इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन बच्चों के इनफरादी अख्लाफा के बारे में बताते हैं जिससे उनको गाइड करना होता है और इसकी प्री असमेंट और डायग्नोस्टिक टेस्ट ये इसके लिए लिए जाते हैं अब करेक्ट्रिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स तो इफेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स की करेक्ट्रिस्टिक्स क्या हैं ये नॉर्मली पांच करेक्ट्रिस्टिक्स हैं अगर आप एक वर्ड है स्मार्ट तो उसको जेन में रखें स्मार्ट स्पेसिफिक और क्लियर फिर माइरेबल एंड ऑब्जर्वेबल एम और अलाइं विद द लर्निंग आउटकम्स लर्निंग आउटकम्स के साथ इनका ताल्लुक हो कनेक्शन बने और रेलिवेंट टू द कॉन्टेंट इन कॉन्टेक्स्ट तो बैकग्राउंड और कॉन्टेंट के रेलिवेंट हों और रियलिस्टिक एंड अचीवेबल ये रियलिस्टिक भी हों और अचीवेबल भी हों बेनिफिट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव इनके बेनिफिट्स क्या हैं इंस्ट्रक्शन को इम्प्रूव करते हैं असेसमेंट की वैलिडिटी और लाइबिलिटी को अप्रूव करते हैं और टारगेटेड फीडबैक प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को और ट्रांसपेरेंट ग्रेडिंग एंड एवेल्यूशन की बुनियाद फरहम करते हैं इस्टेबलिशिंग ऑबजेक्टिव ऑफ द टेस्ट कंडक्ट अ नीड एनालिसिस जब आप ऑब्जेक्टिव टेस्ट बनाने हैं तो उसकी ज़रूरत के लिए आपको क्या करना है कि नीड एनालिसिस करेंगे डिफाइन डिज़ायर्ड लर्निंग आउटकम्स और अलाइन ऑब्जेक्टिव्स विद इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको इंस्ट्रक्शनल यानी तदरीसी एक्टिविटीज़ जो होती हैं टीचर ने क्लास में जो कुछ करना होता है उसके साथ अलाइन करना और कंसिडर डिफरेंट लेवल्स ऑफ लर्निंग तो स्टूडेंट्स के डिफरेंट लेवल ऑफ लर्निंग के मुताबिक ऑब्जेक्टिव्स हमने बनाने होते हैं ये आपके सामने एक पिक्चर हो रही है जिसमें लेवल ऑफ़ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को आप देखें रिमेंबर है अंडरस्टैंडिंग है अप्लाई है एनालाइज है एवेल्यूएशन एंड क्रिएट तो इसके मुताबिक टेस्ट ऑबजेक्टिव और टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिवस टू बी यूज तीन ही जोन से टेस्ट आपने यूज़ करने हैं वो हर एक रिमेंबर के लिहाज से मसल मैं एक इसमें से बता देता हूँ कि रिमेंबर द स्टूडेंट मस्ट बी एबल टू डिफ़ाइन रिलेटिव कन्सेप्ट इन फार्मोलेसन ऑफ़ द ऑब्जेक्टिव टेस्ट तो टेस्ट ऑब्जेक्टिव्स के बारे में वो बता सकें स्टूडेंट्स और इन्यूम्रेशन और मल्टीपल चॉइस तो यानी इसमें मल्टीपल चॉइस टेस्ट इस्तेमाल होगा या न्यूम्रेशन वाला तो इस तरह आपने हर एक के बारे में इस तस्वीर से आप मजीद इसको देख सकते हैं